28 मई को देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया जाएगा। देश को नया संसद भवन मिलेगा। ब्रिटिश राज में बना संसद भवन 97 बरस का हो चुका है, भारत के राजनीतिक इतिहास का गवाह बना, लेकिन अब उम्र हो चली है, इमारत कमजोर हो गई है। कहा जा रहा है कि सुविधाएं भी अब कम पड़ती हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की नींव रखी थी। अब यह संसद भवन बनकर तैयार है। 28 मई को इसे देश के हवाले कर दिया जाएगा। इसके बाद देश की सबसे बड़ी चौपाल यानी संसद इसी नई इमारत में बैठा करेगी। लेकिन सवाल यह है कि ये नई इमारत में अब संसद लगेगी तो पुराने संसद भवन का क्या होगा। जानकारी के मुताबिक मौजूदा संसद भवन को वक्त वक्त पर संसदीय कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, यानी ऐसे तमाम गतिविधियां जिनमें तमाम सांसद शामिल होते हैं, संसद सत्र से इतर वो सारी गतिविधियां पुराने संसद भवन में चलेंगी। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एक म्यूजियम के तौर पर भी होगा। पुरानी संसद भवन के एक हिस्से को म्यूजियम यानी संग्रहालय में बदला जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये जान सकें कि इस भवन में कभी देश की सबसे बड़ी कचहरी, सबसे बड़ी चौपाल बैठती थी, यहाँ पर संसद बैठती थी, और वो भी आज़ादी के पहले से लेकर अब तक। इसलिए इसके एक हिस्से को संग्रहालय में बदला जाएगा। बता दें कि मौजूदा संसद भवन में 560 फीट का डायमीटर है, जो बड़े कार्यक्रमों को करवाने में सक्षम है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया था कि पुराने संसद को 90 बरस से ज्यादा हो चुके हैं। इस संसद भवन ने देश की आज़ादी, संविधान की रचना समेत तमाम ऐतिहासिक पलों को देखा है, कई सरकारों को देखा है, तमाम प्रधानमंत्रियों को देखा है, इसलिए इसके एक हिस्से को संरक्षित किया जाएगा, म्यूजियम में बदला जाएगा। साथ ही चूंकि तमाम ऐसे भी कार्यक्रम होते हैं जिसमें सांसद शामिल होते हैं, संसदीय गतिविधियां होती हैं, इन सारे कार्यक्रमों को पुरानी संसद भवन में कराया जाएगा और नए संसद भवन में संसद सत्र रखे जाएंगे। इन सारी बातों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक सुझाव देकर नई बहस को भी जन्म दे दिया है। उन्होंने ट्वीट किया था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को। राहुल का ये ट्वीट तब सामने आया जब नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख की घोषणा की गई। राहुल की इस बात के समर्थन में विपक्ष के तमाम नेता आ चुके हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि पीएम के मित्रों ने नए संसद भवन की फंडिंग नहीं की है, जो मोदी इसके उद्घाटन को उतावले हैं। वहीं RJD समेत तमाम अन्य विपक्षी दल भी इस बात के समर्थन में आ गए हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।